और आज की इस वीडियो में हम एक नया डिटरमिनर के बारे में डिस्कशन करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। ठीक है, तो ईच और एवरी के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे, ईच और एवरी, ये दो डिटरमिनर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिटरमिनर है, क्वेश्चन आता है इससे, आप इसको संभाल के देखिए। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है बाबू, वो ये है कि ईच जो है वो डिटरमिनर और प्रोनाउन दोनों है। इसका मतलब क्या हुआ, डिटरमिनर और प्रोनाउन दोनों है, प्रोनाउन होने का मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, मतलब ईच डिटरमिनर तो है, नाउन के साथ तो आप यूज कर सकते हो, इसको बिना नाउन के भी यूज कर सकते हो। बिना नाउन के यूज करने का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, ये प्रोनाउन भी है। लेकिन एवरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनर है और इसको आप बिना नाउन के यूज कभी नहीं कर पाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईच इज अ डिटरमिनर एंड अ प्रोनाउन। ठीक है, एवरी इज ओनली डिटरमिनर, इट इज ऑलवेज यूज्ड विद अ नाउन। वेरी गुड, अब आप दूसरा डिफरेंस देखो बाबू। ठीक है, ईच का यूज आप करते हो फॉर टू, दो के लिए, और एवरी का यूज करते हो फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए, और ईच का यूज दो के लिए करते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ऑल राइट, अब एक सवाल देखिए आप, डैश ऑफ दीज टू बैग्स इज माइन, ईच ऑफ दीज टू बैग्स इज माइन, सही जाएगा ना सर, डैश और अभी रुकिए बाबू, दीज टू बैग्स, दीज 20 बैग्स, 20 बैग्स इज माइन। ठीक है बाबू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। अभी हमने पढ़ा ईच का यूज हम दो के लिए और एवरी का यूज दो से ज्यादा के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग अब आप देखो बाबू, यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट चाहिए और यहाँ पर भी सब्जेक्ट चाहिए, दोनों जगह सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ईच ही बन सकता है, एवरी नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि एवरी है डिटरमिनर, एवरी है डिटरमिनर। ठीक है, दोनों में ईच आएगा बाबू, क्यों ईच आएगा, क्योंकि आपको दोनों जगह सब्जेक्ट की जरूरत है। अब यहाँ पर आपने 20 बैग्स तो लिख दिया, लेकिन बाबू जरूरत अब भी आपको सब्जेक्ट की ही है, तो सब्जेक्ट तो ईच होता है, एवरी नहीं होता। ऑल राइट, अब दो सवाल और देखिए, एक यहां लिखते बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 इधर लिखते, द मैन रेस्ड डैश ऑफ हिज हैंड हाई, द मैन रेस्ड डैश ऑफ हिज हैंड हाई। बाबू आपने यहां पर हिज हैंड एवरी, अच्छा अच्छा, ना 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 ऐसे लिखो, द मैन रेस्ड डैश हैंड ऑफ हिज, ठीक है, द मैन रेस्ड डैश हैंड ऑफ हिज। अब बाबू आपने हैंड लिखा, अच्छा ईच और एवरी के साथ बाबू आप देखो एक चीज और लिखी, याद रखना, ईच और एवरी के साथ जब आप नाउन लिखते हो तो वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल होता है, क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल होता है। और इसके बाद हमने एक वो तो पढ़ लिया, ईच ऑफ सम ऑफ ऑल ऑफ, इनके साथ जब आप इनके बाद नाउन लिखोगे तो प्लूरल काउंटेबल आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। ऑलराइट बेटा, जब आपने लिखा यहाँ पर द मैन रेस्ड डैश एंड ऑफ हिज, ठीक है, अब यहाँ पर आपने हैंड नाउन लिखा, ये रेज वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको पता है हैंड दो ही होते हैं, दोनों में से कोई एक उठाया होगा, ईच, ठीक है, ईच हैंड ऑफ हिज। ठीक है, अब यहाँ पर हम ईच हैंड लिख देंगे तो इसका मतलब क्या, दोनों उठा दिए होंगे, अगर इधर लिखते तो कोई एक, तो ईच हैंड ऑफ हिज, ये डेफिनेट हैंड होते हैं, हाथ हमारे दो ही होते हैं। अब एक और देख लेना बाबू, अच्छा चौथा वाला सवाल इधर लिखते हैं, वी गो टू दैट सिटी डैश फ्राइडे, डैश फ्राइडे एवरी फ्राइडे। ठीक है, एक और देखो बाबू, डैश मंथ एवरी मंथ हैज एट लीस्ट 4 वीक्स, एवरी मंथ हैज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप इसको संभल के देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी आएगा ही नहीं, अब आप समझ बैठो, हम वाले भी नहीं आएगा,
बाबू आपने लिखा वी गो टू डैश सिटी डैश फ्राइडे, अब बाबू आपने फ्राइडे लिखा, ये फ्राइडे कोई डेफिनेट फ्राइडे है? कोई डेफिनेट फ्राइडे नहीं है एवरी, लेकिन अब आप देखो डैश मंथ हैज एटलीस्ट फोर वीक्स। बाबू यहाँ पर आप लोगों को पता है आपने मंथ तो लिखा, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि वन ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, वन ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो अब आप इसके साथ क्या लिखोगे, ईच लिखोगे, क्या लिखोगे? अब यहाँ से एक बात और याद रखिए कि ईच का यूज आप टू के लिए करते हो और फॉर मोर देन टू आप मोर देन टू के लिए भी कर सकते हो, शर्त यह है कि वो डेफिनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेफिनेट होना चाहिए। अब आप लोगों को पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, डेफिनेट नंबर है। अगर बाबू अगर नंबर डेफिनेट हो, चाहे फिर वो दो हो या दो से ज्यादा हो, आपको उसके साथ ईच का यूज करना है। किसका? ईच का यूज करना है। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, डैश स्टेट इन इंडिया हैज कैपिटल, कैपिटल। अब बाबू आपने स्टेट नाउन लिखा, सिमिलर काउंटेबल नाउन लिखा, लेकिन आप लोगों को पता है कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। कितनी स्टेट्स हैं? अब ये डेफिनेट नंबर है, यहाँ पर आप एवरी नहीं लिखोगे, यहाँ पर ईच ही लिखोगे। क्या लिखोगे? ईच लिखोगे। तो बाबू ईच का यूज आप दो और दो से ज्यादा के लिए भी कर पाओगे, क्या है शर्त? यह है कि वो नंबर डेफिनेट होना चाहिए। और एक बात और सुनो बाबू, ईच का यूज हम दो के लिए इस वजह से बोल देते हैं क्योंकि दो एक डेफिनेट नंबर है, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, अगर नंबर डेफिनेट है तो आप उसके लिए यूज करोगे ईच का। और अगर नंबर और एवरी का यूज मैंने बता दिया फॉर मोर देन टू, और उस केस में ये इनडेफिनिट और जनरल नंबर होता है, इनडेफिनिट और जनरल होता है। बाबू अब आप देखो, वी गो टू दैट सिटी एवरी फ्राइडे, अभी कोई एक डेफिनेट फ्राइडे है? संडे मतलब जनवरी के फ्राइडे, फरवरी के फ्राइडे में जाते हैं, हमें तो कोई पता नहीं है। एक मंथ में एटलीस्ट फोर फ्राइडे तो होते हैं, अब आप किस फ्राइडे में जाते हो ये तो आपको पता नहीं है। हर महीने में चार वीक भी तो होते हैं। हाँ बाबू, हर महीने में चार वीक, हर महीने में चार वीक होते हैं। वेरी गुड सर, फिर इसमें एवरी क्यों नहीं आया? कहाँ पर? दूसरे वाले में। इस वाले में मंथ है एटलीस्ट फोर। बाबू हमें यूज ये ईच और एवरी का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं? मंथ के लिए कर रहे हैं। मंथ कितने होते हैं एक साल में? 12 होते हैं। डेफिनेट है ना, नंबर डेफिनेट है। जब नंबर डेफिनेट होगा तो क्या यूज करेंगे? ईच। क्या यूज करेंगे? ईच। वेरी गुड। अब बाबू हम देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक सवाल और देखिए आप, और ये हमारा लास्ट वीडियो है डिटरमिनर, इसके बाद हमारा डिटरमिनर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सर शीट कराएंगे इसके बाद? बिल्कुल, इसके बाद हम शीट कराएंगे, वीडियो में अनाउंस करेंगे। एक और देख लेना बाबू, एक और हमारा सवाल है, ऑलमोस्ट डैश वर्ड लेज एक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, ऑलमोस्ट डैश वर्ड लेज एक्स। बाबू आपने यहां पे वर्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा और इसके साथ आपने ऑलमोस्ट डिटरमिनर का यूज कर दिया। ऑलमोस्ट डिटर्मिनर का यूज आप अप्रोक्सीमेशन के लिए करते हो, ऑलमोस्ट हो गया, प्रैक्टिकली हो गया, जनरली हो गया, ठीक है? हाँ, तो इनका यूज आप अप्रोक्सीमेशन के लिए करते हो जब नंबर डेफिनेट ना हो। तो बाबू जब आप ऑलमोस्ट का यूज कर रहे हो तो ये वर्ड कोई डेफिनेट होगी क्योंकि यहाँ तो आपने अप्रोक्सीमेशन कर दिया। अब यहाँ पर आप लिखोगे एवरी, क्या लिखोगे? This is very important. ये पेपर में सवाल आया था बाबू, क्या आया था? पेपर में एक सवाल आया था। तो देखो बाबू मैं आपको ऐसी वर्ड बता देता हूँ, ये कुछ एडवर्ब्स हैं। हाँ बाबू ये बताइए, हाँ मतलब ये पता कैसे चलेगा कि डिटरमिनर है ही नहीं है, डेफिनेट है ही नहीं है? बाबू डेफिनेट है नहीं, अब आपने ऑलमोस्ट का यूज कर दिया। नहीं, ये तो ठिकाबी वाला सेंटेंस बताइए जिसमें आपने ईच मंथ हैज एटलीस्ट फोर वीक। हाँ बाबू, हाँ तो ये डेफिनेट है नहीं। हाँ। ये कंफर्म है बाबू, आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 महीना एक फिक्स नंबर होगा, नहीं हो गया? तो जब नंबर फिक्स हो, चाहे फिर वो दो हो या दो से ज्यादा हो, उसके लिए आपको किसका यूज करना है? डेफिनेट, ईच का यूज करना है। किसका यूज करना है? ईच का। अब बाबू यहाँ पर आपने वर्ड लिखा, क्या लिखा? वर्ड के साथ ऑलमोस्ट लिखा, ऑलमोस्ट, नियरली, रफली, मतलब ये तो दो से ज्यादा हो गया ना? हाँ बाबू, तो इसमें एवरी आएगा, ये दो से ज्यादा हो गया, ये ऑलमोस्ट एवरी
अब कोई भी चीज डेफिनेट, जब अप्रोक्सीमेशन में है तो वो डेफिनेट हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। तो बाबू ऑलमोस्ट नियरली रफली प्रैक्टिकली ठीक है बाबू अपेरेंटली बाबू ऑलमोस्ट नियरली रफली प्रैक्टिकली अप्रोक्सीमेटली अगर ये वर्ड लिखे हुए तो इनके साथ आप एवरी का यूज किया करो। क्यों? क्योंकि ये वर्ड अप्रोक्सीमेशन दिखाते हैं। जब आपने अप्रोक्सीमेशन कर दिया तो फिर वो तो डेफिनेट बचा ही नहीं। आपको ईच का यूज तो उसके साथ करना है जो डेफिनेट हो, चाहे फिर वो दो हो या दो से ज्यादा हो। है नहीं बाबू? वेरी गुड, वेरी गुड। रोजगार लोगों से ऐसी बातें पूछते हैं। ऑल राइट बेटा, आप थोड़ा एक शेर सुनाना चाहता हूँ मैं लोगों को। लीजिए नहीं रख लिया आपने पास, वही रखो। इसको पढ़ाई बात नहीं लाया मुझे, तो कर दे बेवकूफ। मैं पढ़ाने दे, मेरे तो नाम वीडियो में लाना चाह रहा, हम निकालने में लाना चाह रहा है। चलो एक शेर है कुमार विश्वास का, हमें बेहोश कर साकी पिला भी कुछ नहीं हमको, गिला भी कुछ नहीं हमको, मिला भी कुछ नहीं हमको। हमें बेहोश कर साकी पिला भी कुछ नहीं हमको, गिला भी कुछ नहीं हमको, मिला भी कुछ नहीं हमको। मोहब्बत ने दिया है सब, मोहब्बत ने लिया है सब। समझ आया? मोहब्बत ने लिया है सब, मोहब्बत ने दिया है सब, मोहब्बत ने लिया है सब। मिला भी कुछ नहीं हमको, सिर्फ गिला भी कुछ नहीं है। सारे शेर में भी नहीं सारे शेर, बस इतना मारो वीडियो। सर एक भाई सर बहुत अच्छा है। नहीं बिल्कुल एक शेर बस। एवरी वर्ड अगर उसकी आंखें कातिल है तो मरा क्यों नहीं मैं। अगर उसकी आंखें कातिल है तो मरा क्यों नहीं मैं। पता चला किस कितने लोगों को उसने अपनी आंखों में डुबाया है, फिर पता मैं डूबा क्यों नहीं मैं। अगर अंग्रेजी ध्यान से नहीं पढ़ी तो डूब ही जाओगे। नहीं है डूब जाएगी। एवरी वर्ड कैन नॉट फ्लाई। ऑल राइट बेटा, अभी सवाल देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिख लो एवरी वर्ड कैन नॉट फ्लाई, एवरी वर्ड कैन नॉट फ्लाई। बाबू एवरी मतलब ऑल होता है, एवरी मतलब ऑल होता है। तो बाबू जब आप लिख रहे हो एवरी वर्ड कैन नॉट फ्लाई, तो इसका मतलब आप लिख रहे हो कि ऑल वर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। ऑल के साथ काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं ऑल वर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। अच्छा बाबू ऊपर वाला सेंटेंस गलत इस वजह से हो गया था क्योंकि एवरी का यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस में करते हो, तो वो इस वजह से गलत हो गया। अच्छा एवरी का मतलब ऑल होता है, तो ऑल वर्ड्स का मतलब क्या? अब फिर आप एवरी की जगह आप ऐसे लिख दो ऑल वर्ड्स कांट फ्लाई। जब आप ऑल वर्ड कांट फ्लाई लिख दोगे तो बाबू ये तो सेंटेंस ग्रामेटिकली भी गलत है और लॉजिकली भी गलत है। ठीक है true. अच्छा बाबू मैं एक बात और देखो बाबू, ऑल वर्ड कांट फ्लाई और मैंने बताया नेगेटिव में ऑल नो वाला मीनिंग कन्वे करता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नो वर्ड्स कैन फ्लाई, नो वर्ड्स कैन फ्लाई। लेकिन ये तो सेंटेंस गलत है, जब ये गलत है तो ये वाला भी गलत और ये वाला भी गलत। ये चीज आपको समझ आई? वो देखने में कितना अच्छा लग रहा था एवरी वर्ड कांट फ्लाई, लेकिन सर ईच वर्ड तो हो सकता है ना। ईच वर्ड कांट फ्लाई, वाह ईच वर्ड कांट फ्लाई। तो ये बात समझ में आई? अब बाबू देखो सर ईच वर्ड क्यों नहीं हो सकता सर, कोई भी एक ऐसी वर्ड है जिसके मतलब पर नहीं। ऐसा हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करो बिल्कुल भी। अभी तक सुनना पहले बता रहा हूँ बाबू। अब ये देखो आप नो वर्ड कैन फ्लाई, ये तो बात गलत है क्या बाबू? कुछ वर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकते, तो आप उसको कैसे लिखोगे बाबू? नॉट एवरी, not every, not every bird can fly, can fly, not every bird can fly। बाबू इधर देखो, this is very important। every मतलब all, और जब आप not every लिख दोगे तो not every मतलब not all, और not all का मतलब some, not all का मतलब some। This is very important। अब every मतलब all, not every मतलब not all, not all का मतलब some होता है, not all का मतलब some होता है। Some positive sentence लिखते हो, तो बाबू जब आप not every word can fly लिख रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या है? फिर आप ये लिख रहे हो some words can fly, some words can fly। तो देखो ये sentence हो गया सही, ये sentence हो गया सही।
फिर एक चीज और देखना बाबू, एक्चुअली मैंने ये पहले भी बताया था, फिर से एक बार रिवाइंड करा देता हूँ कि जैसे ये डिटरमिनर्स हैं, ऑल हो गया, बोथ हो गया, सम, एवरी, ईच, बाबू इनका यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस में किया करो, पॉजिटिव सेंटेंस में, और नन हो गया, नो हो गया, नाइदर हो गया, ठीक है, नोबडी हो गया, और एक और लिख देते हैं, नोबडी का नथिंग हो गया, इनका यूज आप नेगेटिव सेंटेंस में क्या करो। और एक बात और याद रखना बाबू, जब आप इन वर्ड्स का यूज करोगे नेगेटिव सेंटेंस में, तो इनके साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड भी यूज नहीं किया करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनके साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड भी कोई यूज नहीं किया करो, ये बात आपके समझ में आई। ऑल राइट, तो बाबू एवरी वर्ड का स्पेलिंग गलत क्यों हो गया था, एवरी को यूज पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, आपने नेगेटिव लिख दिया। अच्छा एवरी मतलब ऑल होता, तो ऑल वर्ड्स कांट फ्लाई इस वजह से गलत हो गया, क्योंकि फिर से हम ऑल को यूज पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। ऑल राइट फिर ठीक है, और नेगेटिव में नो ऑल वाला मीनिंग दिखाता है, तो हम ऑल वर्ड्स कांट फ्लाई को ऐसे लिख सकते हैं नो वर्ड्स कैन फ्लाई, लेकिन जब हम नो वर्ड्स कैन फ्लाई लिख देंगे ये ग्रामर तो ठीक हो जाएगी लेकिन कंटेक्स्ट गलत हो जाएगा। तो हमें इस एवरी को कैसे लिखना पड़ेगा, नॉट एवरी वर्ड्स कैन फ्लाई, जब आप नॉट एवरी वर्ड्स लिखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा सम वर्ड्स कैन फ्लाई। ऑल राइट, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अब देखना बाबू, एवरी डॉग कैन नॉट फ्लाई, एवरी डॉग कैन नॉट फ्लाई। अब बाबू आपने ये सेंटेंस लिख दिया एवरी डॉग कैन नॉट फ्लाई, तो ये अब एवरी मतलब ऑल, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऑल डॉग कांट फ्लाई, ठीक है। अच्छा ऑल डॉग कैन फ्लाई ये तो फैक्चुअली ठीक है, बात ऑल डॉग्स कैन फ्लाई, कोई कुत्ता नहीं उड़ता, पापा की परियां भी नहीं उड़ती है, तो कुत्ता तो उड़ता ही नहीं उड़ता, पापा की परियां भी नहीं उड़ती है, ठीक है, तो ये सेंटेंस तो ठीक हो गया, लेकिन अब ये उसके बावजूद भी गलत है बाबू, ये फैक्चुअली ठीक है लेकिन ग्रामेटिकली गलत है, क्यों, क्योंकि ऑल का यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस में करते हो और यहाँ पर तो कांट आपने नेगेटिव मीनिंग लिख दिया। ऑल राइट बाबू, फिर मैंने आपको ये बताया कि नेगेटिव नो जो एनो नो वर्ड है, नो डिटर्मिनर है, वो नेगेटिव में ऑल वाला मीनिंग कन्वे करता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, नो डॉग्स कैन फ्लाई, नो डॉग्स कैन फ्लाई, देखो ये सेंटेंस ठीक हो गया, अब ये वाली बात सही हो गई, तो इसको आप ऐसे लिखें नो डॉग्स कैन फ्लाई, ठीक है। अब एक सवाल और देखना, ऐसे हम लिख देते हैं बोथ ऑफ देम can't solve this question, both of them can't solve this question, ये sentence तो ठीक हो गया लेकिन उसके बावजूद भी गलत है बाबू, आपने both का use किया और इसको negative sentence में कर दिया use, गलत हो गया, both का use आप positive sentence में करते हो, तो अब देखो both दो की बात करता है, both करता है दो की बात, तो यहाँ पर अब आप निगेटिव मीनिंग कन्वे करना चाहते हो, दोनों में से कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है, तो अब एक ऑप्शन आपके पास बचा कि नाइदर का यूज करिए और एक नन का यूज करिए, जब आप मैं दोनों लिख देता हूँ नाइदर ऑफ देम, जब आप नाइदर का यूज करोगे तो निगेटिव नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करोगे, अभी मैंने बताया कैन सॉल्व इट, और एक आप लिख सकते हो नन ऑफ देम कैन सॉल्व इट। बाबू अब आपको इन दोनों में से चूज करना है कौन सा सही होगा, तो बाबू देखो नन दो से ज्यादा के लिए और नाइदर दोनों में से जब दोनों को निगेट करना हो तो ये वाला सेंटेंस ठीक हो जाएगा नाइदर ऑफ देम। एक सवाल और लिखता बाबू, इन इंडिया डैश पर्सन इज एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है, कोरोना वायरस हैज इन्फेक्टेड फोर्थ पर्सन इन दिस सिटी, ईच और एवरी आपके पास ऑप्शन है,
इन इंडिया डैश पर्सन इज एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन। बाबू आपने पर्सन नाउन लिखा, अभी कोई पर्सन नाउन स्पेसिफिक पर्सन है जो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, पर्सन इन जनरल की बात चल रही है, एवरी क्या चीज, एवरी पर्सन कैन इज एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब बाबू लिखा कोरोना वायरस हैज इन्फेक्टेड फोर्थ पर्सन, अब मान लो बाबू एक दो तीन चार, मतलब इस चौथे को इन्फेक्ट कर दिया, एक दो तीन चार, मान लो कि ये भी तो चौथा हो सकता है, इसको इन्फेक्ट कर दिया, तो ये कोई फोर्थ पर्सन कोई डेफिनेट है। अब बाबू एक दो तीन चार ये भी चौथा हो सकता है, मान लो कि बाबू यहाँ पर एक दो तीन चार ये पहले वाला ही चौथा हो सकता है इनमें से, एक दो तीन चार ये दूसरा वाला ही चौथा हो सकता है, तो बाबू ये कोई फोर्थ पर्सन कोई डेफिनेट है किसी भी फोर्थ पर्सन को, तो एवरी क्या चीज, एवरी का यूज करना। तो आपको क्या बात याद रखनी है बाबू, ईच प्रोनाउन है और डिटर्मिनर है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो ईच का यूज करिए, फिर दूसरी बात ये कि ईच का यूज आप दो या दो से ज्यादा के लिए करते हो, शर्त ये है दो के लिए तो आप ईच का यूज इसी वजह से करते हो क्योंकि वो तो डेफिनेट नंबर है, अगर नंबर डेफिनेट हो चाहे फिर वो दो हो, 200 हो, 2000 हो, सबके लिए आप ईच का यूज करिए, ठीक है। एवरी का यूज आप कब करेंगे, जब दो से ज्यादा के लिए, और वो नंबर दो से ज्यादा जब जनरल हो, इनडेफिनेट हो, तब आप उसके साथ एवरी का यूज करिए, एवरी सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनर होता है। ऑल राइट, इतना समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये जो है डिटरमिनर का पूरा सीरीज कंप्लीट हो गई। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे एडजेक्टिव, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, है ना। शीट का डिस्कशन भी इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में कर लेंगे, लेकिन हमारा नया टॉपिक एडजेक्टिव होगा, ओके।